इतना कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, और फिर अगर गिरफ्तारी हो जाता तो मेरा ना दवा सही से हो पाता, ना तो कुछ भी नहीं हो पाता सही से, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर मेरे साथ होता। आप लोग तो समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी। दोस्तों आप लोग को आज दिखा ही देते हैं मेरी माता रानी, यहाँ पर देखिए माता देवी का स्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एकदम सुनसान, कोई नहीं आता है ना कोई जाता है यहाँ पर। छन आ जाओ, गोर धर लो माता रानी को वहाँ जा करके, यही 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 ऊपर मत चढ़ना, नीचे से रख लो, वहीं वहीं से रख लो, नहीं ऊपर मत चढ़ना, जाओ। देखिए दोस्तों गई छन छन गोर धरने वहाँ पे अंदर, आ गया दुहाई माता रानी के, माता रानी ठंडा लग रहा है। यहाँ पर परेड नाला है जो कि नदी कहा जाता है, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा गार्डन में बैठने लायक चबूतरा बना हुआ है दोस्तों। अभी देख सकते हैं, हाथ पकड़ लो मेरा, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों। ये देखिए परेड नाला है, यहाँ पे हमारी माता रानी का विसर्जन हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे बांस जो है वहाँ पे माता रानी का विसर्जन हर साल यहीं पे होता है, और यहीं पे दोस्तों मेला भी लगता है, माता रानी के स्थान पे मेला भी लगता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिन है तो ठीक है, आप जा सकते हैं घूमने टहलने के लिए, बाकी दोस्तों रात में तो कोई नहीं आ सकता है, आप लोग तो जानते ही हैं बहुत डर लगता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना मस्त एकदम शांति का माहौल, सुनसान, अच्छा लगता है टहलने वाले में। बच्चे के साथ आए हैं, देखिए छन-छन के साथ आए हैं, यहाँ पर पूजा भी होता है दोस्तों। देखिए फूल दिख रहा है, नदी में फूल दिख रहा है, तो कोई कोई आता है पूजा भी करने गंगा जी का। चलो चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं खड़ काट रही हैं, क्योंकि ठंडी का समय है, गरीब लोग जो होते हैं खड़ पतवार से काम चलाते हैं, खड़ काट के टाटी बनाते हैं तापने के लिए, चूल्हे में लगाने के लिए। हमारे वहाँ तो दोस्तों कल एक पिकअप लकड़ी गिरा है तापने के लिए और जलाने के लिए, आप लोग तो जानते हैं ठंडी में हमेशा हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं, तो उसके लिए लकड़ी गिर गया है और रखा भी गया है। अब चलते हैं दोस्तों, सोचा थोड़ा सा टहल लें, क्योंकि दोस्तों इतना दिन से एक रूम में बंद, मतलब बहुत अजीब लगता था, एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में उठना बैठना सोना सारा काम एक ही रूम में, जैसे लग रहा था हाथ पैर सब चिंगुर गया था। और दोस्तों फेस देख सकते हैं आप लोग कैसा हो गया है, फेस बिल्कुल ख़राब हो गया है मेरा, पता नहीं कितना दिन हो गया मुझे क्रीम लगाए हुए। साबुन तो मिल गया था, एक डिटॉल साबुन ला के दिए थे महादेव जी, तो डिटॉल साबुन लगा के मुँह धुल लेते थे, लेकिन क्रीम नहीं लगा पाते थे, और मैं बोलती भी नहीं थी, इतना टेंशन रहता था ना दोस्तों कि कुछ याद ही नहीं रहता था कि मैं फेस पे क्या लगाई हूँ क्या नहीं लगाई हूँ, दवा खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ, कुछ याद नहीं रहता था, सिर्फ टेंशन में सोचते रहते थे क्या करें क्या करें, कहाँ से कैसे क्या करें, कैसे सबूत इकट्ठा करें क्या करें, हर चीज़ सोचते थे शुरू और शुरू से लास्ट तक सब कुछ सोचने लगते थे कि कैसे क्या हुआ था कैसे क्या हुआ था, क्या क्या पॉइंट, सारा चीज़ नोटिस करते थे, और जैसे जैसे याद आता था वैसे वैसे हम बताते भी थे अपने वकील को, और एविडेंस भी दिए थे अपने वकील को, कुछ एविडेंस माता रानी की वजह से ही मेरे पास था जो मैंने अपने वकील को दिया, जो कि अभी जाँच की प्रक्रिया चल रही है, सारे जगह पे पेन ड्राइव के द्वारा सारा सबूत चल जा चुका है, अब जांच होगा, और प्रशासन पे हमें पूरा विश्वास है, प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी और हम बेगुनाह बरी होंगे। और दोस्तों बस यही सब बात है, और यहाँ पे देखिए सिया दूध लेके आई हो, तो यहाँ पे सिया दूध लेकर के आ गई है, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा चलना कम है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, चौराहे पर इसलिए नहीं गए रहने के लिए, जहाँ पर हमारा घर है इसलिए नहीं गए कि डॉक्टर बोली है कम से कम 2 महीना बेड रेस्ट, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा उछल कूद और सीढ़ी चढ़ना उतरना बाल्टी का पानी भरना ये सब चीज़ नहीं करना है, जिसके वजह से दोस्तों ये और ये वाला यहाँ वाला घर तैयार हो रहा है कि यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो 2 महीना ठंडी रहेगा, 2 महीना ठंडी तक तब तक यहाँ हम रह लेंगे, इसी वजह से दोस्तों और ये घर बन रहा, नहीं तो बनता नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर छत वहाँ रहते तो हम छत पे रहते, हमारा रूम छत पे है और छत पे लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, नहाने धोने के लिए हमें नीचे ही आना पड़ता, कम से कम दिन भर में 10 बार उतरो 10 बार चढ़ो, तो उससे मेरा
टाका टूट जाता या फिर कोई दिक्कत हो जाता, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। और 75 से 80 हज़ार रुपया लगा दूरबीन ऑपरेशन में, पैसा ज़्यादा लगा है दोस्तों, इस वजह से और हम लोग परेशान हो गए। पैसे कुछ ज़्यादा ही लग गया है हमारे ऑपरेशन में, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो रहा है। आजा बेटा, लल्ला आओ। सो दोस्तों अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बालू है और यही सब बात है दोस्तों। अरे बाप, दोस्तों क्या पता है, जब खांस रहा है ना तब भी पेट दुख रहा है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है जैसे खांसी आ जा रहा है ना तब भी पेट दुख रहा है। ये सब बातें हम ज़्यादा शेयर नहीं किसी से कर रहे हैं, हस्बैंड से भी नहीं शेयर कर रहे हैं, वही टेंशन हो जाएंगे, वो टेंशन ले लेंगे, सोचेंगे। और बाल भी नहीं झाड़ पा रहे हैं दोस्तों, एकदम बाल जब झाड़ रहे हैं इतना इतना टूट रहा है बाल, एकदम पूरा एकदम समझ लीजिए कि झाड़ू बन चुका है मेरा बाल। और दोस्तों यहाँ पे सरसों पापा लगा दिए हैं, सोचे थे, प्लान नहीं था बनने का, इसीलिए तो यहाँ पे सरसों लग गया। देखिए आप लोग, प्लान नहीं था कि हम लोग बनवाएंगे। देखिए अगर ऑपरेशन नहीं हुआ रहता ना तो नहीं बनता, ये बाद में बनता, क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं हो पा रहा था घर बनवाने का ऑपरेशन के वजह से। दोस्तों इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था गठिया, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर बोली कि एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन कराओ, तो मुझे वैष्णो जाना था। मैं बोली वैष्णो से जब आऊँगी तभी मैं ऑपरेशन करवा पाऊँगी। उसके बाद से वैष्णो गई, वहाँ से आई तो फिर सालू का पता चला कि सालू को 11 तारीख को एनिवर्सरी है, अगले साल सालू के एनिवर्सरी में नहीं गए थे, तो बहुत बुरा भला बोली थी सालू मुझे, बहुत उल्टा सीधा बोली थी, गलत समझ ली थी, नहीं गई तो गलत समझ ली। और ये नहीं समझी कि जिस दिन सालू का एनिवर्सरी था उसी दिन हमारे सरोज का थाने पर लोग बुलाए थे, सरोज को लेकर हम लोग थाने पर गए थे। अब ये चीज़ें सारा चीज़ अब वीडियो में नहीं बता सकते है ना, यही सब बात है दोस्तों। तो फिर इस बार हम सोचे कि एनिवर्सरी में चले जाएंगे, और डॉक्टर से सारा खून ब्लड जांच सब कुछ हो गया था, बस ये हुआ था कि बस चल के एडमिट हो जाना है। तो वही हम एडमिट हो गए जा कर के, सालू के वहाँ से आए और तुरंत घर पे गए, कपड़ा चेंज किए, चद्दर बिछौना लिए, तुरंत जा कर के हम एडमिट हो गए। 11 बजे रात में हमारा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों जब ऑपरेशन हुआ मेरा, दूसरे दिन मुझे पता चला कि मेरे ऊपर FIR हो गया है। जब मैं ये सुनी कि मेरे ऊपर FIR हो गया, दोस्तों मैं कुछ सोच भी नहीं पाई, समझ भी नहीं पाई कि आखिर ये हुआ कैसे, मैंने गलती क्या किया था। सारा चीज़ सोच सोच के दोस्तों ऐसे लग रहा था दिमाग फट जाएगा, ऊपर से ऑपरेशन वाला दर्द अलग, मतलब आप लोगों को क्या बताएं, एक अकेली औरत करे तो क्या करे। मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगी दोस्तों, जो जो चीज़ इस 20 दिन में मेरे साथ हुआ है ना, हर चीज़ बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा समय चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अभी अपने दुख से उभर नहीं पाई हूँ। देखिए दोस्तों, इतने दिनों के बाद मैं निकली हूँ, इतने 20 दिन 25 दिन के बाद मैं निकली हूँ, वहाँ तक गई हूँ, इतने मेरा मतलब सांस फूलने लगा, क्योंकि कमजोरी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो है हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। किसके साथ जाओगी? जाओ ठीक है, जाओ एशिया घूमने मत जाना बेटा, आज जूता यहाँ पहन के आया करो। सुनो दुद्दू को स्वेटर पहनो, दुद्दू को ना बेटा, अगर यहाँ आना आप लोगों को, हाँ दुद्दू स्वेटर पहनो, जूता ले आए, हाँ ले आ, ले आ दीजिए, जूता नहीं बा, आइए गाय, हाँ आइए आइए। तो दोस्तों यही सब बात है दोस्तों, डॉगी काट दिया उसका जूता। तो दोस्तों वही, और जब दोस्तों मुझे पता चला, जब मुझे पता चला ना मेरे ऊपर FIR हो गया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझसे छुपा रहे थे, बहुत कुछ छुपाए। और दोस्तों तीन दिन के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बताना भी ठीक नहीं था मुझे, तीन दिन के बाद समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन दोस्तों मैं कचहरी गई थी ना, एक्चुअली में मुझे, ए रुको जी, जब मेरे घर वो नोटिस आ गया था, नोटिस चस्पा जब आ गया था, तब मुझे पता चला दोस्तों एग्जैक्टली पूरी सच्चाई, तब मुझे पता चली कैसे क्या हुआ था। तब मैंने वकील हायर किया, तुरंत वकील हायर किया और वकील से बात किया, गई वहाँ पर, वकील से मिली, वहाँ पे जाके एक मैंने PC किया, PC का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका बहुत लोग मज़ा लिए दोस्तों। मैं बता दूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आम नहीं था, कोई यूट्यूबर नहीं थे वो लोग, वो सब प्रोफेशनल मीडिया वाले थे, सब रजिस्टर्ड वाले थे। और दोस्तों सब जगह से जब आदमी हार जाता है तो वहाँ जाता है, वहीं जाता है, और उसके बाद से
वहीं पे हम लोग गए। और दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर हटे इसलिए थे ना कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, और फिर अगर गिरफ्तारी हो जाता तो मेरा ना दवा सही से हो पाता, ना तो कुछ भी नहीं हो पाता सही से, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर मेरे साथ होता। आप लोग तो समझदार है, समझदार कोई सारा काफ़ी। यही सब बात था दोस्तों, और क्या ही आप लोगों को बताएं। बहुत इतना 20 दिन में जितना दुख तकलीफ हम झेले बानी ना, उतना कोनो मेहरारू झेली ना। और दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छा सीख मिल गई बा कि जौन चीज़ अगर केहू के आप हेल्प करने के लिए जा रहे हैं ना, तो अपना जान हथेली पर लेके जा रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप अपना ही जान हथेली पर लेके जा रहे हो, क्योंकि आपके पीछे आपका फैमिली, आपका बच्चा, आपका परिवार है, आपके सास ससुर है, आपके पूरा फैमिली है जो आपके पीछे परेशान होगी, पर दिक्कतें होगी। क्या हुआ बेटा, इसका सर दर्द कर रहा है दोस्तों, आ जा आ जा। तो दोस्तों यही सब बात है, और क्या आप लोगों से बताएं, आप लोग ऐसे ही हमको प्यार दुलार देते रहिए। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या करता है कोई नहीं करता है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे कोई सपोर्ट में वीडियो बनाता है तब भी अच्छा है, कोई विरोध में बनाता है तब भी अच्छा है। भैया अगर हमारे वजह से किसी के घर का नमक रोटी चल रहा है, चाहे मुझे गाली दे के चले, तो ठीक है चलाइए भैया, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। आपका सोच है, आपका विचार है, आपके नज़र में अगर हम गलत हैं तो शायद होंगे गलत, तभी तो आप हमें गलत कह रहे हो।